हाय एवरीवन, सो आई होप आप सब ठीक होंगे। सो आज मैं आप सबको सिंपल सा कुछ लौकी का भाजी दिखाऊंगी, जो बहुत ही सिंपल सा है। कुछ उतना खास मसाले की ज़रूरत भी नहीं है, सिर्फ आपको एक लौकी और अंडा और प्याज और थोड़ा सा धनिया का पत्ती एंड क्यूमिन सीड्स वगैरह चाहिए होगा। बट ये बहुत ही सिंपल सा एंड टेस्टी भी होता है, बहुत ही टेस्टी होता है। आप ज़रूर ट्राई करना है, रोटी चावल जिसके साथ भी आप खाना ये खा सकते हैं ना, इसको बहुत ही टेस्टी होता है ना ये वाला रेसिपी। सो मैंने फर्स्ट टाइम बनाया था, इसके लिए मैंने क्या क्या किया। सबसे पहले तो मैं अपना जो है कद्दू ले लिया, जो कद्दूकस करके पूरा मैंने एक लंबा सा जो लौकी होता है ना वो मैंने यूज़ किया, तो उसको मैंने कद्दूकस कर लिया, अच्छे से श्रेडेड कर लिया। आप कद्दूकस जो भी लो। अब मैं जो है इसमें से दो अंडा यूज़ करूँगी, और जितना लाइक कद्दू है ना उसका तीन हिस्से में से जो एक हिस्सा होता है ना वो उतना सा आपको प्याज लेना है, लाइक जो भी आप प्याज लो। थोड़ा सा ग्रीन चिली लेना है, जो देख ही रहे होंगे मैंने कितना यूज़ किया, कद्दू एंड प्याज बराबर होना चाहिए। अब मैं क्या करूँगी, मैं चूल्हे में जो कढ़ाई डाल चुकी थी ऑलरेडी, तो मैं थोड़ा सा गर्म होने का वेट कर रही हूँ। तो जैसे गर्म हो जाएगा अब मैंने इसको तेल ऐड कर लिया, एंड तेल के लिए मैं फिर से एक बार बता रही हूँ कि इसमें जितना ऑयल डालोगे उतना टेस्टी होता है, बट मैं नहीं यूज़ कर रही हूँ उतना तेल, सो आप लोग यूज़ करना ज़रूर। अब मेरा जो है तेल गर्म हो चुका है, अब मैं इसमें थोड़ा सा क्यूमिन ऐड करूँगी। अब जैसे करेक्ट होना स्टार्ट हो जाएगा तब मैं अपना जो आपको अनियन दिखाया मैं सारा अनियन ऐड कर दूँगी इसमें। उसके बाद अनियन को अच्छे से आपको फ्राई करना, साथ में जो मैंने ग्रीन चिल्ली दिखाया था उसको भी मैंने ऐड कर दिया। तो दोनों आप साथ में फ्राई करते रहना, क्योंकि हाँ जाहिर सी बात है ज़्यादा प्याज है तो थोड़ा सा टाइम लग ही जाता है। लेकिन आप सच मानो ये रेसिपी लाइक बहुत टेस्टी होता है, लाइक थोड़ा सा मीठापन आता है कद्दू का, फिर मैं थोड़ा सा शुगर ऐड करती हूँ एंड में, तो जो दोनों मिलके जो आता है ना वो क्या बोलूँ मैं आपको ना। फर्स्ट टाइम मैंने बनाया था, तो अब मेरा जो अनियन लाल हो चुका है, अब मैं इसमें थोड़ा दो अंडा डाल दिया मैंने। अब अंडा डालने के बाद इसको बस जैसे अंडे का भुर्जी कैसे बनाते हैं, तो इस तरीके से आपको बनाते जाना, भुर्जी बनाते जाना। अब कुछ मसाले की ज़रूरत नहीं है इसमें, सिर्फ नमक और हल्दी के काम है ना। इस तरीके से पूरा हमने भुर्जी लाइक भुर्जी जो होता है ना रेगुलर भुर्जी बनाते जाना है। जब ये भुर्जी बन जाएगा तो हमने जो कद्दूकस करके रखा है ना वो कद्दू को हमें इस पॉइंट पे ऐड कर देना है। कद्दू को डालने के बाद चलो मैंने ऐड कर ही दिया कद्दू। अब जो कद्दू ऐड करने के बाद आपको नेक्स्ट इसका काम है, आपको अच्छे से मिलाते जाना है। जब ये मिल जाए अच्छे से तो आपको फिर हल्दी डिपेंड ऑन यू, जब जितना आपको डालना है हल्दी अप टू योर चॉइस, एंड चिल्ली पाउडर भी आपका चॉइस है, आप जितना डालो। तो उसमें मैं आपको आइडिया नहीं बताऊँगी आज। नमक भी आपको पता ही है, आप लोग खाना बनाते होंगे तो नमक भी आपको पता ही होगा। बोल रही हूँ ना बहुत ही सिंपल सा होता है, कुछ ज़रूरत नहीं आपको मसाले का ना। अब इसको मैंने क्या किया, कवर कर दिया, क्योंकि आपको पता है लौकी से जो है पानी निकलना स्टार्ट होता है, तो फिर मैंने थोड़ा सा कवर कर दिया ताकि जो मैंने अंडे वगैरह मिलाया था सब अच्छे से मिक्स हो जाए। तो मैंने फिर से एक बार ओपन करके फिर चेक कर लिया, सो फिर से मैंने कवर कर दिया। बस इस तरीके से आपको कवर करते करते पकाते जाना है इसको ना, और कुछ नहीं। सो देख ही रहे होंगे ना, सो मतलब क्या बोलूँ आपको, आई डोंट नो, मैं आपको बोल नहीं सकती, मेरा सेकंड टाइम बना रही हूँ, बहुत ही टेस्टी है। अब फिर से मैंने उसको कवर कर दिया, फिर आपको चेक करते जाना कवर अनकवर के नीचे से लगे ना एक्चुअली, तो आपको चेक करते जाना। अगर लौकी अच्छा हो तो जल्दी फिर कुक हो जाता है, बट अगर नहीं हो लौकी अच्छा तो फिर जो है बहुत टाइम लग जाता है। आई थिंक मेरा ऑलमोस्ट ये पक चुका है। अब मैं इसको क्या करूँगी, अब इसको मैं लेड नहीं डालूँगी, अब मैं कवर नहीं करूँगी, अब मैं इसको फ्राई करते जाऊँगी। फ्राई मीन्स लाइक थोड़ा सा ब्लैकिस आएगा। अब देखिए इस पॉइंट पे दिख ही रहे होंगे। अब मैं इसमें धनिया का पत्ती डाल दिया मैंने थोड़ा सा, आपको अगर नमक वगैरह कम लगे कुछ भी टेस्ट करना हो तो आप इसमें डाल सकती है नमक को टेस्ट करके। तो मैंने धनिया का थोड़ा सा शुगर ऐड किया, तो आप अगर शुगर भी ना डालो तो थोड़ा सा जगेरी आता है ना गुड़ भी आप डाल सकते हैं ना, ड्राई जो आता है। मैंने शुगर ऐड करने के बाद इसको बस भूनते हुए जाना है, भूनते भूनते बस थोड़ा सा ड्राइनेस आ जाएगा ना, फिर आप उसको टेस्ट करना, आपको खुद ही पता चल जाएगा इसका टेस्ट है ना, इतना टेस्टी होता है ना। तो मेरा ये तो रेडी हो चुका है, अब मैंने इसको मेरा डन हो चुका है, क्योंकि जितना मैंने कवर से पकाने का मैंने पका लिया। अब मैं इसको जो है अनकवर करने के बाद फिर मैं पका रही हूँ, तो ये मेरा हो ही गया ऑलमोस्ट। सो आप लोग जरूर रेसिपी ट्राई करना, और प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, और ये जो है दाल चावल के साथ भी आप खा सकते हैं, और आप चाहे तो रोटी के साथ भी खा सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, बाय।